सीतयुग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं करिश्मा सिंह। हमारी जारी धारावाहिक औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी की आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद के शिक्षा के क्षेत्र में जाने जाने वाले सूर्यपद सिंह, जो औरंगाबाद जिले के शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण जानकारी रखते हैं। आइए हम आज इनसे बातचीत करते हैं। औरंगाबाद शहर का सबसे प्राचीन विद्यालय संस्कृत उच्च विद्यालय है। इसके पहले औरंगाबाद के धरती पर विद्यालय नाम का कोई चीज़ नहीं था। 1912 में इस विद्यालय का स्थापना हुआ है। मैं इस विद्यालय में 1986 में हमारी नियुक्ति हुई। शिक्षा जो पहले दी जाती थी वो पुराने पद्धति से दी जाती थी। अब 1980 के बाद नवीन पद्धति से शिक्षा दी जा रही है। अब यहाँ अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित सभी विषयों की पढ़ाई होती है। यहाँ जब बाज़ार में हम लोग जाते हैं तो अभी भी यहाँ के सेठ साहूकार या चौरिया गांव के रामेश्वर बाबू, जो प्रधान सचिव वित्त विभाग बने थे, उनके के यहाँ जब हम लोग काम से गए तो भी बताया कि मैं उसी विद्यालय के छात्र रहा हूँ। संस्कृत विद्यालय ही पहले था, उसी में हम लोग शुरू के दिनों में पढ़े हैं। जिला में शिक्षण संस्थान, इसके बाद ही मदरसा खुला, गेट स्कूल खुला। गेट स्कूल का स्थापना 1915 में हुआ। मदरसा स्कूल का भी स्थापना 1915 में हुआ। उस समय जिला अनुमंडल हुआ करता था। अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी कोई मुस्लिम व्यक्ति थे, उन्होंने ही संस्कृत का स्थापना किया पहले, तब मदरसा का किया, उसके बाद में गेट स्कूल का निर्माण हुआ। ऐसे जिला, ऐसे जो शहर था बहुत शिक्षा में पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज के दिन में शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ विभिन्न तरह के कॉलेज, स्कूल आज क्रियान्वित हो रहे हैं, चल रहे हैं, जिसमें पठन पाठन इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज, फार्मेसी का कॉलेज, यहाँ बहुत सा कॉलेज आज खुल करके चल रहा है। इसी तरह से हम लोग जादव कॉलेज में भी सर्वे करने का एक दिन मौका हम लोग को मिला। जादव कॉलेज में भी हम लोग गए, एक टीम बना करके गए थे। जादव कॉलेज में भी नए नए लेक्चरर आए हैं। स्थिति वहाँ भी भयावह हो गया था, लेकिन अभी वहाँ भी लेक्चरर 10-12 वो आ गए हैं बाहर से, BPSC से, विद्यालय सेवा आयोग या कॉलेज सेवा आयोग से लोग आ गए हैं। उन लोग से बात करने पर यह महसूस हुआ कि पढ़े लिखे और अच्छे योग्यता वाले लोग हैं, और वहाँ भी हम लोग महसूस करते हैं कि जादव कॉलेज का भी सर्वांगीण विकास होगा और सर्वांगीण विकास की ओर जादव कॉलेज भी बढ़ रहा है। गेट स्कूल है जिसको, जिसका कि नाम अनुग्रह इंटर कॉलेज है, वहाँ भी पढ़ाई लिखाई और जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं वहाँ का भी व्यवस्था ठीक है। उसके बगल में अनुग्रह स्मारक कॉलेज है, वहाँ भी हम लोग यदा कदा जाते हैं। वहाँ भी विद्यालय, महाविद्यालय जो है स्वांगीभूत तो नहीं हुआ है, लेकिन एफिलिएटेड समंधन यूनिवर्सिटी से मिला हुआ है। समंधन के लिए वहाँ के लोगों से बात किया तो वहाँ डिग्री का समंधन अभी नहीं हो पाया है। उसका मुख्य कारण वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है। इंटर का जमीन लिखाया है, इंटर का एप्लीकेशन भी मिला है। लड़के और लड़कियां का संख्या वहाँ वृद्धि हुआ है। शिक्षक लोग भी प्रसन्नचित हैं। वहाँ जो भी कमेटी के द्वारा भुगतान लोगों को रेगुलर ढंग से हो रहा है, वह कॉलेज भी आगे बढ़ रहा है। सरकार यदि उसको अधिग्रहण कर लेती तो वह कॉलेज भी जिला का मुख्य रोड पर है, पुराना GT रोड पर अवस्थित है, वह भी एक सुंदर लगता, लेकिन कॉलेज को सरकार ने अधिग्रहण नहीं किया है। उसके चलते वह कॉलेज उतना विकास नहीं कर पाया जितना विकास होना चाहिए था।